क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग शुरू। अमेरिका का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कनाडा ने पहले खेलते हुए 194 रन बनाए। अमेरिकी टीम ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। अमरीकी बैटर एरन जोन्स की जारहाना बैटिंग, 10 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 94 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। मैच से कबल डेलस क्रिकेट ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा और रक्स। आसमान रंगो नूर से नहा गया। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जीत कर कौम को खुशी देना चाहता हूँ। सिर्फ इंडिया का मैच नहीं, तमाम मैचेस हमारे लिए अहमियत रखते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान टीम है। जाते ही छक्के मारना शुरू कर दूं, मेरा ऐसा स्टाइल नहीं। टीम की हालत देखकर बैटिंग करता हूं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और चैलेंज होगा। अफसोस है पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर ना जीत पाए। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का मुनफरिद अंदाज, डांस के मूव दिखाकर सबको अपना मद्दाह बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नीदरलैंड्स, पापुआ गिनी और युगांडा के प्लेयर्स ने दिल खोल कर डांस किया। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज में जारी होगा। पासपोर्ट में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुकर्रर मुद्दत के अंदर पासपोर्ट जारी ना हुआ तो मुतल्लिक अफसरान के खिलाफ एक्शन लूंगा। जोहर टाउन लाहौर के निजी हॉस्टल में नासिबा वीडियोस बनाने का स्कैंडल। गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ। हॉस्टल के मालिक मियां बीवी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तालिबात के बयानात कलम बंद कर लिए। हॉस्टल में दर्जनों तालिबात रिहाइश पजीर थी। जमीन का तनासा 4 अफराद की जान ले गया। राजनपुर के नवाही इलाके मडरिंदा में 2 ग्रोहों में तसादुम। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग, 4 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म होने लगा। लाहौर में आज पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। छुट्टी के रोज सड़कों से ट्रैफिक गायब। लू के बाद शहरी घरों तक महदूद। बाद शहरों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कर चढ़ने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलोचिस्तान और बालाए खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। कराची में हीट वेव खत्म। महकमे मौसमियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद गर्मी में लोड शेयरिंग का अजाब। कराची वालों का पारा चढ़ गया। नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी पर MQM का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुश्तर मुजाहरीन ने दरवाजे पर मुक्के मारकर गुस्सा ठंडा किया। नौशहरा कलां में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खावातीन का एहतजाज। नौशहरा मर्दान रोड ब्लॉक कर दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की बानी PTI की ट्वीट की हिमायत। कहा, बानी PTI ने हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया। इसमें क्या गद्दारी है? आपने अपने जहन में नजरिया बना रखा है जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। बानी PTI समेत तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए। रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके। ट्वीट अब भी बानी PTI के अकाउंट पर मौजूद। उधर बानी PTI के ट्वीट पर मजीद 3 रहनुमाओं को नोटिसेस। FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को मंगल को 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे? तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है? कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है या हमसे बात करनी है या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है? हमने तो कभी आपकी ये नहीं कहा कि इसके पंखे उतार दो, इसका कूलर बंद कर दो, इसको इस बाथरूमों के अंदर कैमरे लगा दो, कभी नहीं कहा। बगावत छोड़ें, तनाव कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें।
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करनी तो क्या दीवारों से बात करनी है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का कहना है एक तरफ पीटीआई अपने बानी की ट्वीट से इजहार लातालुकी कर रखी है, रहनुमा सफाइयाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ ट्वीट अब तक डिलीट नहीं हुआ। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो बात करने को तैयार हैं। मुल्क वोट की ताकत से बना है, पार्लियामेंट में आवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा हमने 2024 के इंतखाबी नतायज को मुस्तरद कर दिया, हमारे पास कौमी गैरत और हमियत मौजूद है, किसी ताकतवर की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए। पंजाब में भिखारियों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्लान, इंतजामिया भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। सूबे भर की जेलों में भिखारी माफिया के लिए बैरक तैयार, हर बैरक में 100 से 200 अफराद को रखने की गुंजाइश। महकमे दाखिला पंजाब भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स के लिए सजा में इजाफे का कानून ला रहा है। कानून बच्चों के अगवा जबर तशद्दुद में मुलव्वस मुलजिमान को टारगेट करेगा। कराची में चिकनगुनिया की वबा तेजी से फैलने लगी, बड़ी तादाद में मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, मतली, पेट और सरदर्द इलामात में शामिल। वजह मच्छर का काटना, असरात एक हफ्ते बाद जाहिर होते हैं। चिकनगुनिया से जोड़ों को नुकसान हो सकता, असरात काफी अरसे तक रह सकते हैं। भारी भरकम जिसामत, चांदी जैसी रंगत, हाथी जैसा कद, दुल्हन जैसा हार सिंगार और फिर बला का हुस्न। कराची के मवेशी मंडियों में सिब्बी के बैलों की बादशाही। मालिक नास नखरे से पाले जानवर फरोख्त करने ले आए। सबसे बड़ा जानवर 31 लाख में फरोख्त हो चुका, बाकियों की कीमत 15 से 20 लाख मांगी जा रही है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप के मेजबान, मेगा इवेंट कितने स्टेडियम्स में खेला जाएगा, कौन कौन सा स्टेडियम अमेरिका में बनाया गया, नसाउ क्रिकेट स्टेडियम कौन सी तारीख रकम करेगा, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पहली PNSC बैनुल सूबाई वुमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पंजाब के नाम। फाइनल में बलोचिस्तान को 14-13 से शिकस्त। सिंध ने फेयर ट्रॉफी अपने नाम की। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने इनामात तकसीम किए। पंजाब की कप्तान इरम शहजादी ने विनर ट्रॉफी वसूल की। चैंपियनशिप में चारों सूबों की टीमों ने शिरकत की। सिंध की अनिला महविश ने पहली खातून एम्पायर का एजाज अपने नाम किया। जंग बंदी मुआहिदे की पेशकश, इसराइली बमबारी ना रुक सकी। सिहूनी फौज 8 माह से निहत्ते फलस्तीनियों का खून बहा रही है। रफा समेत गजा के मुख्तलिफ शहरों पर फजा और तोपखानों से हमले, मजीद 95 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में 15 साल फलस्तीनी लड़का फायरिंग से शहीद। नीदरलैंड का इसराइल को रफा पर हमला फौरी बंद करने और जंग बंदी का मुतालबा। कातर अमरीका और मिस्र का इसराइल और हमास से मुजवजा मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का मुतालबा। चीन का खिलाई मिशन चियांगकी 6 कामयाबी से चांद पर उतर गया। मिशन चांद के जनूबी कुतब पर उतरा, सतह से नमूने जमा करेगा। खिलाई मिशन 2 किलो नमूने जमा करेगा, पहली मरतबा कीमती चट्टाने भी शामिल होंगी। भारतीय बिजनेस टाइकोन मुकेश अंबानी के बेटे का प्री वेडिंग इवेंट, अमरीकी गुलकार पेटफुल ने माहौल बना दिया। कैटी पेरी ने भी परफॉर्म किया। लग्जरी क्रूज शिप पर गुलकार की परफॉर्मेंस की वीडियो भी सामने आ गई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंध जाएंगे।